हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवी समर्पण, अ प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। लास्ट वीडियो में हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में जाना था, आज की वीडियो में हम उसके टाइप के बारे में जानेंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू को उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग या कहिए लोकेशन के अकॉर्डिंग हम तीन पार्ट में यानी थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो जो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू के थ्री पार्ट्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स और लैटरल मेरिस्टेम्स। ये तीनों के तीनों मेरिस्टेम्स हेल्प्स ग्रोथ में ही करती हैं, यानी ये जहाँ भी प्रेजेंट है वहाँ ग्रोथ में ही हेल्प करते हैं। तो चलिए फिगर के हेल्प से हम इसे समझते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फिर मैं आपको इसके आगे और बेहतर तरीके से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स की, तो एपिकल मेरिस्टेम्स टिप पर प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट टिप, यानी ये प्लांट्स की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, उसमें ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, चाहे वो रूट का डेवलपमेंट हो चाहे वो शूट का डेवलपमेंट हो। और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ये भी टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम रूट एपिकल मेरिस्टेम्स और दूसरा शूट एपिकल मेरिस्टेम्स की बात करते हैं, जो कि ये आप देख रहे हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। ये एक जनरल सा फिगर है, एक ब्रांच का फिगर कह लीजिए या प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ये टिप पर जो आप देख पा रहे हैं ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कलर्ड पार्ट, ये एपिकल मेरिस्टेम्स है। किसी पार्ट में सबसे ऊपर की पोजीशन जो उसके ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, उसकी लेंथ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरा पार्ट होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जो पार्ट है वो प्लांट्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो नोड और इंटरनोड वाली पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये नोड क्या होता है और इंटरनोड क्या होता है, तो मुझे ज़रा सा आप समय दीजिएगा, देखेंगे। देखिए, मैंने अपने साथ एक ब्रांच लाया हुआ है प्लांट्स का और मैं आपको बेहतर तरीके से यहाँ समझा देता हूँ। चलिए, तो आप पहले आप एपिकल को भी इसी की हेल्प से समझ लीजिए। किसी भी प्लांट में या ब्रांच में आप जो टिप पोजिशन देखते हैं, यानी ये वाली पोजिशन, अगर हम इधर की तरफ देखें तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा ये टिप पोजीशन, यहाँ पर अगर हम निकालें तो मेरिस्मेटिक टिश्यू हमें मिल जाएंगे। सेम इसी तरीके से इस पार्ट में भी आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूली ग्रोइंग लीफ है, ये आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, यहाँ पर इस जगह पर ये एपिकल मेरिस्टेम से ही आप मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑक्सिलरी बड होता है, ठीक है, ये एपिकल पार्ट है और नीचे चले जाएंगे तो रूट में भी एपिकल पार्ट होगा, उसके टिप पे प्रेजेंट होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम्स और दूसरा शूट एपिकल मेरिस्टेम्स। यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम्स को मैं आपको बता पा रहा हूँ जिस इसकी हेल्प से। चलिए, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जो है वो आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, नोड और इंटरनोड पे मिलेगा। तो आप कंफ्यूज होंगे, जरा इसे ध्यान से देखिए, ये आगे बढ़ करके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो दो पार्ट है ना, तो जिस पोजीशन पर ये डिवाइड हो रहा है ये नोड की पोजीशन है, ये आगे भी बढ़ करके डिवाइड होता है, यहाँ भी ये नोड की पोजीशन है, फिर आप देखेंगे यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये भी नोड की पोजीशन है, यहाँ भी अगर ये डिवाइड हो रहा है ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी नोड की पोजीशन है, यानी जहाँ पे ब्रांचेस अपने आप को बना रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, वो नोड की पोजीशन है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप लीफ को ध्यान से देखेंगे तो आप जरा देखिए, एक लीफ यहाँ पर है तो इसका जो पोजीशन है ये नोड की पोजीशन है जहाँ से लीफ डेवलप हुई है। जस्ट उसके बगल में आप अगर इस पार्ट को देखेंगे तो ये भी नोड की पोजीशन है। अब आप ऊपर की तरफ देखिए, ये भी लीफ डेवलप कर रहा है, इसका बेस नोड की पोजीशन है, सेम इसी तरीके से ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ भी आप इस तरह का देख रहे हैं, वन यहाँ देख रहे हैं, ये नोड की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस नोड की पोजीशन पे क्या मिलता है, ये आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स देखने के लिए मिलती है।
दूसरी चीज है इंटर नोड, जहां भी आप देख पा रहे हैं दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे इंटर नोड कहा जाता है। अगर हम इसे नोड कह रहे हैं तो दूसरा नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ है, दूसरा नोड यहाँ है, आप देख पाएंगे एक नोड यहाँ है, दूसरा नोड यहाँ है, इनके बीच का जो गैपिंग है इसे इंटर नोड कहते हैं। सेम लीफ के हिसाब से आप आ जाइए तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक नोड यहाँ है और दूसरा नोड यहाँ पर है, तो इसके बीच की जो ये गैपिंग है जहाँ मैंने फिंगर अपनी रिप्रेजेंट की हुई है, या आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने चौक को रखा हुआ है, ये जो गैपिंग शो हो रही है ये आपकी इंटर नोड है, यानी दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम इंटर नोड कहते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी इंटर गैलरी मेरिस्टेम। तो लगता है कि आप बेहतर समझ पाए होंगे इसे। अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि ये आपके इंटर कैलरी मेरिस्टेम हेल्प्स किस चीज़ में करती है। ऑफ कोर्स ग्रोथ में ही हेल्प करेगी, लेकिन ग्रोथ में हेल्प करने के लिए अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स में ये लीफ के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लांट्स में ये देखने के लिए आपको जो मिलेगा वो इंटर नोड वाले पोजीशन पे, जैसे ग्रास आपने देखा होगा, दुब की ग्रास आपने देखी होगी, बहुत स्पेशल ग्रास होती है, फैलती रहती है जमीन के ऊपर में, दुब जो है पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है। दुब की ग्रास को अगर आप देखेंगे तो वहाँ इंटर कैलरी वाले पोजीशन, ये सॉरी इंटर कैलरी जो है वो इंटर नोड वाले पोजीशन पर मिलता है, और इंटर नोड वाली जो पोजीशन है उसकी हेल्प से वो स्टेम की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी दो नोड के बीच के जगह को, डिस्टेंस को बढ़ाने में वो हेल्प करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिसकी वजह से प्लांट्स हेल्प कर रही है लंबाई बढ़ने में। इसके अलावा आपने मिंट अगर देखा होगा, मिंट तो मिंट के केस में ये नोड वाली पोजीशन पे उसके जस्ट नीचे यानी बिलो द नोड आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। सो लीफ के बेस पे प्रेजेंट है तो लीफ की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करती है, यानी हेल्प तो ग्रोथ में ही कर रही है लेकिन पोजीशन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपने इससे समझ लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा है वो है लैटरल मेरिस्टेम। आप पोजीशन को देख करके समझ पा रहे होंगे, जरा इसे ध्यान से देखिए, ये मैंने टॉप पोजीशन की ब्रांच को तोड़ा हुआ है, तो आप जो इसे देख पा रहे हैं ये जो स्टेम की मोटाई है, यानी इस ब्रांच की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो थिकनेस किसकी वजह से है, तो वो लैटरल मेरिस्टेम की वजह से है। लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द लैटरल पोजीशन और जिसकी वजह से ये प्लांट्स की गर्थ मीन्स मोटाई उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। वहाँ पे क्या है, लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। तो सिर्फ यहीं पर नहीं प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन शूट एंड आल्सो इन रूट, यानी प्लांट्स के रूट में जो रूट की मोटाई बढ़ रही है और शूट में भी अगर उसकी मोटाई बढ़ रही है तो वहाँ पर लैटरल मेरिस्टेम ही प्रेजेंट होगा इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं अगर आप जितने बड़े पेड़ को देखते हैं, जितना ज़्यादा मोटा होता है उसमें इतने ही ज़्यादा आपके लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे। अब जरा आप ये समझिएगा कि अगर ये लैटरल मेरिस्टेम नहीं हुआ तो क्या होगा, हेल्प तो कर रहा है ग्रोथ में लेकिन किस चीज़ की ग्रोथ में, थिकनेस को बढ़ाने में। अगर ये प्रेजेंट नहीं हुआ तो प्लांट्स में थिकनेस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लंबा होता चला जाएगा लेकिन थिकनेस नहीं होगी। चलिए जो लैटरल मेरिस्टेम है इसे भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट वैस्कुलर कैम्बियम होता है और सेकंड जो होता है वो कॉर्क कैम्बियम होता है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि जहाँ हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में वहाँ इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो जान लेते हैं कि ये जो कैम्बियम का पार्ट, दैट मीन्स कि अगर हम बताना चाहेंगे थिकनेस, यानी कैम्बियम जो ग्रो कर रही है यानी थिकनेस को बढ़ा रही है, वो दो टाइप के, एक आपको वैस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम बाहर के हिस्से में प्लांट्स की छाल यानी कवर बनाने का काम करती है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी और आप कुछ प्लांट्स में जैसे आम में कटहल में आप देखते हैं कि बाहर की तरफ छिलका होता है, वो कॉर्क कैम्बियम बनाने का काम करता है। इसके अलावा जो जनरल आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए, इसके अंदर में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाला वैस्कुलर टिश्यू, जिसमें आती है आपको सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो ये जो फॉर्म करते हैं वो आपके लैटरल यानी कि कॉर्क कैम्बियम आपके वैस्कुलर कैम्बियम करने का काम करता है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आगे की वीडियो में मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ कि जो मेरिस्मेटिक के बाद परमानेंट टिश्यू है वो किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म करते हैं। चलिए धन्यवाद।